व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन की टीम के प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में, जो कि गाइस होने वाला है थर्सडे को 2 जून को दोपहर के 3:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच रहने वाला है इंग्लैंड के लिए। गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। गाइस देखते हो गाइस, यहाँ पे बेन स्टोक्स को न्यू कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है फॉर द टेस्ट क्रिकेट। एंड गाइस वहाँ पे सेकंड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि गाइस यहाँ पे ब्रेंडन मक्कलम को यहाँ पे अपॉइंट करा गया है इंग्लैंड का न्यू हेड कोच। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ निकल के आ रही है इंग्लैंड के खेमे से। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की, यहाँ पे गाइस यहाँ पे हम बात कर लो ट्रेंट बोल्ट के बारे में, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको इस मैच के लिए अनअवेलेबल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट आपको पता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे। एंड गाइस राजस्थान रॉयल्स रनर अप तक गई थी, फाइनल तक खेल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हो सकता है ट्रेंट बोल्ट को एक मैच का रेस्ट यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम दे दिए। बाकी गाइस यहाँ पे लेना पे चेकआउट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लें इस मैच के बारे में, गाइस पहले गाइस वीडियो स्टार्ट करने पहले गाइस आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड होगी टॉस हो जाने के बाद। तो गाइस फटाफट जाइए नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे गाइस अगर हम पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, तो गाइस प्लेइंग 11 में चेकआउट कर सकते हैं। गाइस दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर लें इंग्लैंड में, गाइस इंग्लैंड में यहाँ पे आपको एलेक्स लीज, जैक क्रोली गाइस आपको अगर स्ट्रॉन्ग शुरुआत देते तो गाइस काफ़ी ज़्यादा आपको इंग्लैंड बड़ा टोटल बनाती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बात कर लें न्यूजीलैंड की, देखिए न्यूजीलैंड में गाइस यहाँ पे डीवन कॉनवे पे काफ़ी ज़्यादा निगाहें रहने वाली है। गाइस उनके पास यहाँ पे केन विलियमसन हो गए, गाइस यहाँ पे गाइस इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निगाहें रहने वाली है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है दोनों टीमों के लिहाज से। पिछले बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर बॉलिंग पिच है जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको देखने को मिलेगी। आप हो सकता है गाइस यहाँ पे आपको जो डे बनेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा बैट्समैन के लिए भी हेल्पफुल देखने को मिले, पर गाइस जैसे ही धीरे धीरे टेस्ट मैच आगे बढ़ता रहेगा डे फोर के बाद गाइस यहाँ पे गाइस पूरी तरीके से फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बन जाएगी। तो गाइस टॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। गाइस जोन सी बी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी, गाइस मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग चूज़ करने वाली है। गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एक इंग्लैंड की टीम अपडेट्स के बारे में, तो गाइस इंग्लैंड ने गाइस यहाँ पे बेन स्टोक्स को गाइस अपना नया कैप्टन अपॉइंट करा है। एंड गाइस यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम को नया हेड कोच अपॉइंट करा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको टॉप ऑर्डर में देखने को मिलेंगे एलेक्स लीसन, जैक क्रॉली नंबर 3 में बैटिंग करने आएंगे, जो रूट उनके साथ नहीं मानाएंगे यहाँ पे ओली पॉप एंड जॉनी बेयरस्टो। बॉलिंग में बात कर ले स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे गाइस यहाँ पे जैक लीच एंड जो रूट। पेस बॉलिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी। वहीं यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम अपडेट्स के बारे में, तो न्यूजीलैंड की टीम अपडेट्स ये गाइस कि उनको ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे आपको मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ गाइस ट्रेंट बोल्ट को अभी फिलहाल मत लेना जब तक गाइस आपको फाइनल टीम प्रोवाइड ना हो जाए। यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको टॉप ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे डीवन कॉनवेंट, टॉम लेथम गाइस यहाँ पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड गाइस इंपॉर्टेंट बैट्समैन यहाँ पे रहने वाले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। नंबर 3 में बैटिंग करने आएंगे केन विलियमसन गाइस, उनका जो फॉर्म है गाइस आईपीएल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, बट गाइस ये टेस्ट क्रिकेट है, फॉर्मेट अलग हो गया गाइस, यहाँ पे पिचेस अलग हो गई, बॉलिंग पिच आ गई। तो गाइस यहाँ पे आपको एक केन विलियमसन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नॉक आते हुए दिखाई दे सकता है। गाइस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ केन विलियमसन गाइस आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं इस मैच में। बाकी गाइस अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उनका साथ ही माने जो आएंगे गाइस विलियंग हो गए एंड हेनरी निकोल्स हो गए। बॉलिंग में बात कर ले स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे गाइस टीम साउदी एंड गाइस काइली जेमिसन गाइस आपको पेस बॉलिंग में देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से गाइस फिलहाल के लिए कोई स्पिनर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस मैच में। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के बारे में दोनों टीमों की तरफ से, तो गाइस यहाँ पे की प्लेयर यहाँ पे रहने वाले इंग्लैंड की तरफ से जो रूट हो गए जॉनी बेयरस्टो, यहाँ पे बेन स्टोक्स हो गए, क्रैग ओवल्टन हो गए, जिमी एंडरसन हो गए एंड स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से यहाँ पे रहने वाले डीवॉन कॉनवे, टॉम लेथम हो गए, केन विलियमसन, हेनरी निकल्स, काइली जेमिसन एंड टिम साउदी। तो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन में गाइस अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो गाइस विकेट कीपर सेक्शन में आपके ऑप्शन आते हैं गाइस जॉनी बेयरस्टो को पिक कर सकते हैं, यहाँ पे गाइस आप टॉम लिंडल को पिक कर सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से गाइस यहाँ पे जॉनी बेयरस्टो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छे पिक यहाँ पे बन सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। वहीं यहाँ पे बात कर लेंगे बैटिंग में, बैटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे रहने वाले हैं केन विलियमसन हो गए, जो रूट को पिक करने वाले हैं डीवॉन कॉनवे को पिक करने वाले हैं, जो कि गाइस एक अच्छी फॉर्म में भी है। एंड गाइस हमारे जो लास्ट पिक यहाँ पे रहने वाले टॉम लेथम के साथ रहने वाली है। गाइस न्यूजीलैंड के गाइस यहाँ पे हमने दोनों ओपनर्स वहाँ पे पिक करा है। एंड गाइस इंग्लैंड के यहाँ पे मैंने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप करा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम
टॉस जीत जाती है। तो गाइस यहाँ पे आपको टॉप ऑर्डर में गाइस आपको एक अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड गाइस वहाँ पे ही बात कर लें यहाँ पे इंग्लैंड की जब बैटिंग आएगी तो गाइस यहाँ पे आपको इंग्लैंड की टीम यहाँ पे कोलैप्स करती हुई दिखाई दे सकती है टॉप ऑर्डर के साथ अगर हम बात कर लें तो। यहाँ पे गाइस अगर हम ऑलराउंडर के बारे में बात कर लें यहाँ पे बेन स्टोक्स इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी गाइस ऑलराउंडर यहाँ पे मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। बॉलिंग में बात करें बॉलिंग में यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को फिलहाल ड्रॉप करने वाले हैं। जिमी एंडरसन को पिक करेंगे यहाँ पे गाइस अपनी सेकंड पिक यहाँ पे रहने वाले काइली जेमिसन के साथ। टिम साउदी को पिक करने वाले हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड को पिक करेंगे। इनका जो लास्ट पिक हमारे यहाँ पे रहने वाले गाइस यहाँ पे आप मैट हेनरी को पिक कर सकते हैं या फिर गाइस आप यहाँ पे नील वॉगनर को पिक कर सकते हैं। गाइस कंडीशन के हिसाब से गाइस यहाँ पे मैं मैट हेनरी को पिक करने वाला हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में बात कर ले गाइस कैप्टन यहाँ पे हमारे रहने वाले हैं सिंपली गाइस जो रूट जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। अच्छे बैट्समैन है। नंबर 3 पे बैटिंग करते आएंगे गाइस काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा बड़ा स्कोर बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं जो रूट। सेकेंड वीक हमारे यहाँ पे रहने वाले केन विलियमसन के साथ। ये गाइस फिलहाल के लिए हमारे टीम वाले हमारी टीम पर रहने वाले है गाइस। होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगी होगी। टीम अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना। गाइस चैनल बनाया तो गाइस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना फॉर द फाइनल टीम। सो गाइस ये वीडियो यहाँ तक की टीम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।